नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। खबर भोपाल से, मुख्यमंत्री कमलनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवजा की मांग करेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार को बजट दिलाने की मांग करेंगे। वे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश कार्यक्रम के लिए उद्योग जगत की हस्तियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पीसी शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में पटवारियों की जो हड़ताल है उसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए कि उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। कल मुख्यमंत्री जी इकोनॉमिक सबमिट में उन्होंने भाग लिया और उन्हें जो एक बात वहाँ पर कही खास तौर कि केंद्र जो राज्य सरकारों को जो उठाना चाहिए, जो प्रोत्साहन देना चाहिए उन्हें देना है। पहले 90-10 का रेशो था, उसको बढ़ा के 60-40 कर दिया है। जिससे ऐसे राज्य जो पिछले 15 सालों में प्रगति नहीं कर रहे हैं, उनको प्रगति करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए 90-10 का जो रेशो था, 10% राज्य का और 90% केंद्र का हो, और केंद्र की नीतियों को और सरल तक किया जाए। नीति आयोग की भी केवल एक ऐसी बॉडी हो गई जो केवल नीति बना के अपना उसका मामला खत्म हो जाता है। दूसरा, उन्होंने कोई खास बात पर जोर दिया है कि जो अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है, उसमें खासतौर से जो सबर्न है, जैसे अगर भोपाल की बात करें तो अब्दुल्ला नगर है, सी ओर है, इनको ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर हुआ नोएडा गुड़गांव को डेवलप किया गया, तो जो क्योंकि जितनी भी चाहे पानी की हो, सड़क की, सीमेंट सेचुरेट हुए हैं बड़े शहरों में, उसका हल केवल यह है कि इसको प्रगति आगे लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और राज्य की जो बड़े शहर है उनका तो फायदा होगा। पटवारियों की हड़ताल जारी है, उसको लेकर भी अभी क्या सरकार कोई कदम? नहीं, उनके अध्यक्ष जी से कल बात हुई थी मेरी भी, और हमारे मंत्री जो हैं राजेश जुबा के, वो आज आ रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, तो बात की जाएगी। और उनसे अपील करते हैं कि वो कोई इस समय एक क्रूशियल टाइम है जब किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, लोगों के नुकसान हुआ है, उस समय वो उस काम को अंजाम दें। बाकी उनकी जो भी बातें उन पर चर्चा की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।